मैं मनजीत कौर स्वागत कर रही हूँ सारे पंजाबी कुकिंग चैनल के। मेरे वालों सारा प्यार भरी सत श्रीकाल। अज आप गोभी का अचार बना के तैयार करांगे। ये अचार जिहड़ा है तुसी एक साल तक भी इहनूं स्टोर करके रख सकते हो, अचार जिहड़ा खराब नहीं होगा। तो ये वास्ते जिहड़ी आप गोभी ली है, ये ली आ 800 ग्राम के करीब गोभी है। गोभी नूं असीं हुण पहला कट लेना है मोटे टुकड़ियां दे विच। उपरलियां जड़ियां इहदियां डंडियां इह फैला देणियां। गोभी का जिहड़ा पीस आपां इस तरीके दे नाल कट्टणा आ, आह जिहड़ी चीज़ आ उपरली गोभी आपां साइडां तों जिहड़े ते सारे फुल तार ले। ये जिहड़ा इत्थे विचला डंडल आ इहनूं असीं कट देना है। जिहड़े तां फुल दे कोई एडे का साइज़ दे उहनां नूं सानूं कट्टण दी लोड़ नहीं। जे कोई फुल थोड़ा जिहा वड्डा लगदा आ ते उहनूं असीं इदां विचों दी कट लांगे। गोभी जिहड़ी आपां टुकड़ियां दे विच कट ली, हुण असीं इहदे विच पाणी पा के इहनूं दो वारी असीं पाणी 'च धो लैणा है। एक वारी इहनूं पा के चंगी तरह इदां थोड़ा जिहा हत्थां दे नाल इहनूं मल दांगे। उस तों बाद इह पाणी कढ दांगे, फिर एक होर पाणी दे विच धोवांगे। दो वारी गोभी नूं पाणी दे विच धोण तों बाद हुण 2-2.5 गिलास पाणी दे जिहड़े आ मैं गर्म कर ले आ। इहदे विच पावांगे 1 चमचा लूण दा, 1/2 चमचा पावांगे हल्दी दा, ते 2 चमचे पाने असीं सिरके दे। ये जिहड़ा चिट्टा सिरका आ उह लिया आ। इहदे विच पाणी च पा देणी आ लूण ते सिरका पा के। जदों आपां इहदा गोभी उबालदे आ, गोभी दे विच जिन्नी भी इमप्योरिटीज हुंदी आ उह सारी जिहड़ी आ साफ हो जांदी आ। 2 मिनट तक आपां इहनूं उबालणा आ। दो मिनट तक पानी उबलते हुए पानी दे विच गोभी नूं उपर रखिया आ। गैस हुण असीं बंद कर देनी है। 3-4 मिनट तक इहनूं इसी तरह पए रहण देणा आ। 4 मिनट हो गए। गोभी देखो जिहड़ी आ पानी दे विच इदां आपां डुबो के रखी हुई सी। हुण तुसीं इदां कोई भी स्ट्रेनर लै लैणा आ, उहदे विच असीं गोभी नूं कट लैणा आ। जिन्ना भी इहदे विच पानी आ उह सारा फिर निकल जूगा। पांच छे मिनट तक आपां इहनूं इदां गोभी नूं पई रहिण दित्ता। सारा पाणी जिहड़ा आ आपां कढता। हुण इदां कोई भी सूती कपड़ा लै लैणा आ, चाहे कोई वड्डा भांडा लै लो, ट्रे वगैरह, इहदे उपर असीं गोभी जिहड़ी आ फैला लैणी आ। इहनूं चाहे तां तुसीं धुप्प दे विच रखो जे धुप्प आ, ते जे नहीं धुप्प तां तुसीं इहनूं पखे थल्ले 4-5 घंटे वास्ते पई रहिण देणा आ। कल्ला कल्ला पीस जिहड़ा इहदा इहदा फैला देना। जदों तक गोभी नूं आपां रखिया आ 4-5 घंटे वास्ते, उदों तक आपां इहदा जिहड़ा मसाला आ उह तैयार कर लैंदे आ। गैस जिहड़ी आ हले आपां चलाउणी नहीं आ, पहलां असीं जिहड़े मसाले आ उह पा लैणे आ। 1 चमचा लिया आ जीरे दा, 3 चमचे आपां इहदे 'च पावांगे सुक्का होया धनिया, 1/2 चमचा पावांगे अजवाइन दा, 1 चमचा पावांगे मेथे, 2 चमचे पावांगे असीं इहदे विच पीली सरों, 1 चमचा भर के पावांगे सौंफ दा,
हुण गैस जिहड़ी आपां चला लैणी है। गैस चला के इहनूं असीं हल्का जिहा 1-2 मिनट तक मीडियम सेक दे उत्ते असीं भुन लैणा है। देखो जे तुसीं मसालियां नूं इस तरीके दे नाल भुनणा चाहो तां भुन वी सकदे हो, नहीं तां तुसीं उहनूं घंटा 1.5 घंटा उहनूं धुप्प दे विच मसालियां नूं रख दो, उस तों बाद वी तुसीं उहनां नूं पीस सकदे हो। सेक जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम सेक दे उत्ते असीं इहनां नूं 1 जां 2 मिनट तक बस मसालियां नूं भुनणा आ। मसालियां दा जिहड़ा रंग आ उह नहीं बदलना चाहीदा। 1 मिनट तक भुनण तों बाद हुण असीं इहदे विच पाउणे आ 2 चमचे भर के पावांगे राई दे। एक चौथा हिस्सा चमचे का पावांगे हिंग। मसाले देखो जिहड़े साडे भुन्ने गए, चटकन की आवाज आनी शुरू हो गई है। गैस आपां बंद कर देनी है। गैस बंद करन तो बाद भी असीं इहनूं इदां 1 मिनट तक हिलांदे रहना है, क्योंकि फ्राई पेन जिहड़ा गर्म ते सेक जिहड़ा मसालियां नूं ज़्यादा नहीं पैना चाहीदा। थोड़ा जिहा असीं इहनां नूं ठंडा करके पीस लेना है। मसाले जिहड़े आ थोड़े जे ठंडे हो गए, बहुत बिल्कुल इन्हां नूं ठंडे नहीं करना, थोड़े जे हल्के जे इह कोसे होने चाहिए आ। इन्हां नूं असीं मिक्सी दे जग च पा लेना है। हुण इहदे विच बाकी दे जिहड़े आपां मसाले पाउणे उह वी पा देणे आ। सब तों पहलां पावांगे लूण। लूण देखो जिहड़ा आ आपां पहलां वी पाया सी गोभी दे विच जदों गोभी नूं आपां उबालिया सी, इस करके लूण जिहड़ा आ थोड़ा हिसाब नाल पाउणा आ। जे बाद चो लगे कि होर पाउणा चाहीदा आ फिर तुसीं होर पा सकदे हो। 1 चमचा पा देंगे लूण दा, 1/2 चमचे तो भी घट पावांगे हल्दी, क्योंकि हल्दी भी आपां पहलां पाई हुई है। 2 चमचे पाउणे आ भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर देखो जिहड़ी आ कौड़ी नहीं हुंदी, इह सिर्फ आपां रंग वास्ते पाई आ। 1 चमचा भर के पावांगे लाल मिर्च दा। इहनां सारियां चीज़ां नूं आपां पीस लैणा आ। मसाले जिहड़े साडे पीस के तैयार आ। इन्हां नूं हुण आपां इदां कट लैणा किसे वी डोंगे च, ते मसालियां नूं देखो थोड़ा जिहा दरदरा रखणा आ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल पाउडर नहीं बनाउणा उहनां दा। 1 चमचा पावांगे कलौंजी दा। एक कौली सरों का तेल लिया है। तेल देखो जिहड़ा है मैं गर्म करके नहीं पाया, तुसी चाहो तो गर्म करके इहदी कुड़त्तन कढ के फिर पा सकते हो, यह कच्चा तेल आ। गोभी देखो जिहड़ी आ इहनूं आपां 4-5 घंटे वास्ते रखिआ सी, ते पक्खे थल्ले ही रखिआ सी मैं, अज धुप्प नहीं सी निकली हुई। जे धुप्प होवे तां धुप्प च वी रख सकदे हो, बिल्कुल भी पाणी जिहड़ा आ गोभी दे विच नहीं आ। इस तरीके दे नाल जदों असीं अचार बना के पाउंदे आ ते इह अचार कदी भी खराब नहीं हुंदा, तुसीं जिन्ना मर्जी लंबा टाइम इहनूं रख सकदे हो। अचार नूं आपां चंगी तरह मिला लैणा, जिहड़ा बाकी दा तेल बचिआ आ उह तेल वी पा देणा। सारियां चीज़ां मिलाउण तों बाद मसाले दे विच चंगी तरह गोभी नूं मिलाउण तों बाद हुण असीं इहदे विच पाउणे आ 2 क चमचे आपां पाउणा सिरका। सिरका पाउण दे नाल इक तां अचार दे विच थोड़ी जी खटास आऊगी ते दूजा अचार जिहड़ा आ ज़्यादा लंबे समें तक रह सकदा आ। अचार देखो जिहड़ा साडा बण के तैयार आ, बहुत ही ज़्यादा वधिया बण के तैयार होया है। सारे पीसां दे उत्ते मसाला जिहड़ा चंगी तरह लग्गिया आ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋਊਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਚ ਜੂਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
चंगी तरह सुखा के उस तो बाद अचार जिहड़ा उहदे विच डब्बे विच भर के रख देना। कदी भी आटे वाले हाथ जिहड़े अचार नूं ना लाओ, गिले चमचे नाल अचार जिहड़ा कदी ना कढ़ो, तां अचार तुहाडा कदी भी खराब नहीं होगा। तुसीं जिन्ना मर्जी लंबे टाइम तक उहनूं रख सकदे हो। इसे तरीके दे नाल तुसीं इहनूं बना के खाओ। वीडियो नूं प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। चैनल ते पहली वारी आ के वीडियो देखदे पियो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखण लई बहुत बहुत धन्यवाद।